हर साल एग्जाम के अंदर जरूर आता है। डियर स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द मेंडल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक एंड द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इन टूडेज लेक्चर वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु क्वाइंड द टर्म, इंट्रोड्यूस द टर्म जीन्स ऑन प्लेस ऑफ फैक्टर विच वॉज गिवन बाई मेंडल। And the second one we will discuss three main laws which were given by the Mendel. After the inheritance of monohybrid or one gene, Mendel gives three laws. These laws were law of independent assortment, which is called as the first law of heredity, law of segregation, which is the second law of heredity, and the last one will be law of dominance. So in today's lecture we will discuss all these laws. First of all, introduction of term gene. Term gene was introduced by Dennis botanist means जो plants के ऊपर काम करते हैं, जोहानसन। क्या नाम था उनका? जोहानसन। यूज टर्म फॉर मेंडल्स फैक्टर इन 1909 मीन्स मेंडल ने जीन के लिए एक टर्म यूज की थी कि भाई कोई ऐसी चीज है जो कैरेक्टर को आगे कैरी कर रहा है। मेंडल ने उसको क्या नाम दिया था? फैक्टर नाम दिया था। लेकिन जो डेनिस बोटनिस्ट थे, जो आंसर, उन्होंने उनको फैक्टर ना बोल करके उसको एक स्पेशल नाम दे दिया, जीन। और कब दिया? 1909 के अंदर। फिर बाद में इसके तीन साल बाद इन 1912 एन अमेरिकन जेनेटिसिस्ट मॉर्गन In 1912, an American geneticist Morgan showed that genes are carried on chromosomes. He stated that genes are carried on a chromosome. किसने बताई ये बात है? American geneticist Morgan ने। कब बताई ये? 1912 के अंदर। अब मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कुछ टर्म्स दी थी इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसके जो रिजल्ट्स आए थे, उन रिजल्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मेंडल ने कुछ लॉज दिए, जिसमें हमारा जो फर्स्ट लॉ आता है दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या था हमारा? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब क्या कहता है ला? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। और असॉर्टमेंट का मतलब होता है एडिशन, यानी जुड़ना। मतलब जब कैरेक्टर्स किसी भी पेरेंट से आ रहे हैं, चाहे मेल से कैपिटल टीआर है, फीमेल से स्मॉल टीआर है, या फिर मेल से स्मॉल टीआर है, फीमेल से कैपिटल टीआर है, इट डजंट मैटर, दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली। कैसे? जैसे मैं अगर एक बार पिछले लेक्चर में जो हमने टर्म की थी उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमने क्या किया था? ये प्योर टाल था, ये प्योर डवार था। इसकी जब हमने क्रॉस कराई थी तो कैपिटल टी स्मॉल टी सारे के सारे प्लांट्स हमारे क्या आ गए थे? आल टाल। उसके बाद फिर जब हाइब्रिड टाल की क्रॉस कराएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहां पे जो कैपिटल टी था, सपोज कीजिए आप ये आ रहा था मेल से और ये स्मॉल टी आ रहे थे फीमेल से, जहां पर भी कैपिटल टी था क्या आ रहा था? हमारा टाल आ रहा था। अब ये मेल है हाइब्रिड और ये फीमेल है हाइब्रिड। अब इससे जो कैपिटल टी आ रहा है, इससे स्मॉल कैपिटल टी आ रहा है, ये क्या बन गया? हमारा प्योर टाल। हालांकि प्योर टाल पे लेके इससे था मेल से, लेकिन अब यहां से कैपिटल टी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे, इंडिपेंडेंटली कंबाइन हो रहे। उसी प्रकार से यहां से स्मॉल टी, यहां से कैपिटल टी। अब मेल में तो पहले स्मॉल टी था ही,
जहां पर मेल से स्मॉल टी फीमेल से कैपिटल टी आया, लेकिन असोर्ट जब होंगे कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये भी दिखेगा क्या, टाल ही दिखेगा। मतलब ये डिपेंड नहीं करता कि जो गैमेट्स जब फॉर्मेशन हो रही है वो किससे आ रहे हैं। तो क्या कहता है, पहला इट स्टेट्स दैट एलील ऑफ टू, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, टू और मोर डिफरेंट जीन्स गेट असोर्टेड, असोर्टेड मीन्स जुड़ना, इनटू गैमेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। मतलब वो डिपेंड नहीं करते कि जो एलील आया है वो किससे आया है, किसी से भी आया हो वो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। या फिर और आसान भाषा में अगर हम लिखना चाहें इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द एलील ऑफ ए गैमेट रिसीव्स फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलील रिसीव्ड फ्रॉम अनदर जीन, रिसीव्ड फ्रॉम अनदर जीन। मतलब क्या कह रहा है, द एलील्स ऑफ ए गैमेट, इसी गैमेट के अंदर जो भी एलील्स है रिसीव फ्रॉम वन जीन, जो किसी एक जीन से आए हैं, डज नॉट इन्फ्लुएंस, उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एलील रिसीव्ड फ्रॉम अनदर जीन। जैसे अगर ये स्मॉल टी मेल से आ रहा है, अगर फीमेल से कैपिटल टी आएगा तो वही रहेगा, अगर स्मॉल टी आ जाएगा तो वही, जहां पे दोनों स्मॉल टी डवार्फ थे वही आएगा, ये फर्क नहीं पड़ता कि किससे जो है हमारा एलील आ रहा है। ठीक है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज, आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ हेरेडिटी। इसको हमारा क्या बोला जाता है भाई, फर्स्ट लॉ ऑफ हेरेडिटी। इसके बाद आता हमारा सेकंड लॉ, आता हमारा सेकंड लॉ जो था हमारा, अब सेकंड लॉ क्या था हमारा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ हेरेडिटी। क्या भी ये हमारा सेकंड लॉ है हेरेडिटी का। अब ये लॉ क्या कहता है, पहले यहां पर आप एक मतलब समझो, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन। क्या मतलब होता है, सेपरेशन। मतलब ये लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट फैक्टर्स ऑफ ईच पेयर सेपरेट, सेपरेट का मतलब क्या होता है, मैंने सेग्रीगेट बोल लो इसको या सेपरेट बोल लो, सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, सो दैट ईच गैमेट, सो दैट ईच गैमेट रिसीव्स ओनली वन फैक्टर, रिसीव्स ओनली वन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर के लिए केवल क्या आएगा भाई, वो केवल एक फैक्टर को रिसीव करेगा, रिसीव वन फैक्टर फॉर ईच कैरेक्टर एंड इज ऑलवेज प्योर, और वो जब भी ट्रांसफर होगा हमेशा कैसे हुआ, प्योर हुआ। कैसे, जैसे कैपिटल टी दोनों है, दोनों स्मॉल टी है, या तो कैपिटल टी आएगा या स्मॉल टी आएगा, जैसे हाइब्रिड हमारा बना उसमें क्या कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये हाइब्रिड है। ऐसा नहीं है कि इससे जब गैमेट का सेपरेशन होगा, मतलब जब हमारे फैक्टर्स बनेंगे तो कोई बीच का कैरेक्टर आ जाएगा, मतलब ये टाल था ये डवार्फ था, कि इनकी बीच की हाइट का कोई जो है फैक्टर आ गया जाए, नहीं,
ये हमेशा प्योरली ही क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे, अलग होंगे. दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है. अब इसने एक बात बताई, दूसरी बात इसने क्या बताई, टू फैक्टर्स ऑफ ए ट्रेट अकर विद ए इक्वल फ्रीक्वेंसी. दोनों के होने के चांसेस क्या है भाई, इक्वल है इन मेल एंड फीमेल गैमेट. चाहे वो मेल गैमेट हमारा, चाहे वो फीमेल गैमेट. क्लियर है. इस लॉ को दो नाम और दिए जाते हैं. दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स. क्या बोलते हैं इसको भाई, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, या फिर दूसरा नाम एक और दिया जाता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ स्पोर्स. क्लियर है. इसके बाद हम हेडिंग डालते हैं एक नोट, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या बोल सकते हैं इसके, फ्रॉम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फ्रॉम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल, फ्रॉम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल प्रिडिक्ट द मियोसिस. मियोसिस मीन्स क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन. रिडक्शनल डिवीजन का क्या मतलब है भाई, जैसे ये थे हमारे जो है एक प्रकार से प्योर टाल प्योर, तो यहां से ये और यहां से ये है, तो दो फैक्टर हमारे लेकिन सेपरेट एक ही हो रहा है. ठीक है. मतलब अगर सपोज करो मैं सिंपल भाषा में इसको 40 क्रोमोसोम मान लेता हूं, तो यहां से आए केवल कितने 23, यहां से कितने आए 23, अगेन क्या हुआ 46. तो यहां से उसने किसका अंदाजा लगाया, रिडक्शनल डिवीजन का. इसके बाद हमारा जो थर्ड लॉ या लास्ट लॉ आता है, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस. थर्ड लॉ जो आता हमारा वो क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है भाई हमारा, जैसे पिछले लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन किया था या फिर मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था भाई हमारे पास जो दो टाइप के गैमेट्स थे उसमें से एक्सप्रेस केवल एक ही हो रहा था. एक क्या हो रहा था, रिसेसिव रह गया था हमारा, उसको बोल सकते थे हम अनएक्सप्रेस रह गया था. तो उसको देख करके मेंडल ने क्या किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस किसे दिया गया, दिस लॉ वाज गिवन टू अंडरस्टैंड द इनहेरिटेंस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. किसको समझने के लिए दिया गया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए. इसके तीन मेन पॉइंट्स हमारे, नंबर एक, सबसे पहला ये क्या कहता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं कुछ यूनिट्स के द्वारा. उन यूनिट्स को मेंडल ने क्या नाम दिया था, फैक्टर्स. क्या लिखेंगे, फर्स्ट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स. इसका मतलब समझना बहुत जरूरी है भाई. डिस्क्रीट यूनिट का मतलब क्या है कि टाल है तो प्योर टाल ही आएगा, डवार्फ है तो डवार्फ ही आएगा, ये नहीं उनके बीच का कोई करेक्टर आ जाएगा. डिस्क्रीट यूनिट्स जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, कॉल्ड फैक्टर्स. सेकंड वन आता हमारा इन एन इंडिविजुअल फैक्टर्स अकर्स इन पेयर्स. हमेशा फैक्टर्स जब भी मिलेंगे हमें किसके अंदर मिलेंगे भाई, वो पेयर्स के अंदर मिलेंगे. और लास्ट इन ए डिससिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर एक्सप्रेस इटसेल्फ कॉल्ड, जिसे हम क्या नाम देंगे, डोमिनेंट. जो
जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा मेंबर वो क्या हुआ डोमिनेंट एंड द अदर वन विच रिमेन हिडन, मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, हिडन और अनएक्सप्रेस इज कॉल्ड रिसेसिव, उसको क्या नाम दे दिया गया भाई रिसेसिव। क्लियर है? इसने और क्या किया भाई, इसला ने दिस ला एक्सप्लेन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड F2 जनरेशन। क्लियर है? अब F2 जनरेशन के अंदर एक रेशियो आई थी हमारी टाल और डवार्फ की, फिनोटिपिक रेशियो क्या थी भी हमारी 3:1, वो भी हमारा इसी लाने जो उसको एक्सप्लेन किया था। क्लियर है? तो आज के लेक्चर के अंदर हमारे तीन इंपॉर्टेंट लॉज, जो मोस्टली एक लॉ जो है हर साल एग्जाम के अंदर जरूर आता है, तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू।